अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पथवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा, भाग मिलखा, भाग 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 मिलखा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बच्चे, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके?
एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे? कैसे हो आप सब लोग? सो वेरी गुड इवनिंग प्रिया, शिखा, ए जी, प्रीति, नैना, दर्शन, दीपिका, मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज फाइनली हमारी एथिक्स की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही है फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, और अब हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास को रेगुलर रखेंगे सर, इस एथिक्स की रिवीजन सीरीज़ को रेगुलर रखेंगे। और अब इन क्लासेस में जो हम लोग रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, ये सारी की सारी क्लासेस विल बी डेडिकेटेड फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, और इन सब क्लासेस के शेड्यूल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज आपको स्केड्यूल देंगे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ मैं। दिवाली बहुत अच्छी रही मेरी, आप सब लोगों की भी बहुत अच्छी रही होगी उम्मीद करता हूँ। तो सर, हम लोग एथिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसका प्रॉपर स्केड्यूल दूंगा आज। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा सर, आप मेरे को कुछ चीज़ों के बारे में बताइएगा, और जैसा हम अभी प्लान करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का स्केड्यूल रेडी करेंगे। ऑल दो एक प्लान मैं अभी लेकर आया हूँ, मैं रेडी हूँ अपने प्लान के साथ। अगर आपको वो प्लान बिल्कुल अच्छा लगेगा तो हम लोग उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बट अगली क्लास से हम थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर देंगे। बिल्कुल सर, सर क्लास को टॉपिक वाइज लेना, चैप्टर वाइज मत लेना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सर कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ सर। हम लोग ये जो एथिक्स की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सर, ये रिवीजन सीरीज़ हम लोग अब पूरा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं सर, इस कमिंग दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर, जो इस एथिक्स रिवीजन सीरीज़ में हम लोग चैप्टर्स करेंगे, वो लगभग लगभग मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स पूरे के पूरे रिवाइज़ कराऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकेंगे उससे उतने आपको चैप्टर्स में रिवाइज़ कराऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर कोई एक आधा दो चैप्टर नहीं भी हो पाता तो उसके कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करवा ही दूँ आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं सर कि एथिक्स में जैसे कि सर हम लोग जानते हैं कि हमारे एथिक्स में एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी, एक पार्ट सी और एक पार्ट डी। सर, अगर हम इन चारों पार्ट्स की बात करें, अगर हम इन सारी चारों पार्ट्स की बात करें, तो सर जो पार्ट ए है ये हमारा 50 मार्क्स का है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं सर, लेकिन पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है, पार्ट सी 20 मार्क्स का है और पार्ट डी 10 मार्क्स का है। जो पार्ट बी 20 मार्क्स का है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, और आज हम लोग इसी चैप्टर से अपने रिवीजन को स्टार्ट भी करेंगे, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। मेरे को ऐसा लगता है सर कि एक सिंगल चैप्टर है और 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूरे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। इसीलिए मैं आज की रिवीजन क्लास को इसी चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से अगर ये हमारे 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं तो सर मज़ा आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे सर पार्ट सी है, वो भी 20 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ दो चैप्टर्स हैं, एक इंटरनल कंट्रोल और एक रिपोर्टिंग। और मैं रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के बाद जो अगली यूनिट पिक करूँगा दैट विल बी पार्ट सी, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। क्योंकि अगर ये तीन चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सर, तो ये तीन चैप्टर्स मिलकर हमको टोटल 40 मार्क्स गेन करवा देंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ 40 मार्क्स सर, आसान कम नहीं है सर, 40 मार्क्स हमको पूरा पास करा देगा ये सब्जेक्ट अकेले ये तीन चैप्टर्स। तो 40 मार्क्स के ये तीन चैप्टर हैं सर जिसपे हमको सबसे ज़्यादा फोकस रखना होगा। सबसे पहले हम कह दें इस पे फोकस रखना होगा, बाकी सब पे भी फोकस रखेंगे, बट इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो पार्ट बी और पार्ट सी इनको हम लोग पहले अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम पार्ट ए पे आने से पहले पार्ट डी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, जैसे हम लोग इतने टाइम से पहले पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को पता है सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पता नहीं क्यों पार्ट डी को छोड़ कर चले जाते हैं। सर, छोड़ना कभी भी एक बेटर ऑप्शन नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। पार्ट डी 10 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पे तीन चैप्टर्स हैं सर, टोटल तीन चैप्टर्स हैं, लेंदी चैप्टर्स हैं, बट कोई बात नहीं,
लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे तो इतने भी लेंदी नहीं है, इतने भी लेंदी नहीं है सर। थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अगर हम इसको प्लान करेंगे तो इट कैन बी डन इन वन और टू लेक्चर्स ओनली। अगर हम लेंदी लेक्चर्स लेते हैं और एक साथ इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो कवर अप हो सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ सारे सारे चैप्टर पूरे पूरे प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्कस किए जाते हैं सर और किए जा सकते हैं। तो हम लोग इस पार्ट डी में बहुत सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो हैं या मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। सेम जब ये कंप्लीट हो जाएगा सर तो हम आ जाएंगे अपने पार्ट ए पे, हम आ जाएंगे सर अपने पार्ट ए पे। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है सर, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पार्ट ए में सिर्फ कंप्लीट लॉ का पोर्शन है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कंप्लीट लॉ का पोर्शन नहीं है। देयर आर सो मेनी प्रोविजंस जो कंप्लीट लॉ के इस पार्ट ए में हैं, आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ भी रखे होंगे, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। लेकिन समझिएगा सर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का मैनर थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखते हैं तो आपको पता लगता है सर कि यहाँ पर जो पार्ट ए है इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफर करता है। आपको समझना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड आ रहे हैं तो वो किस मैनर में पुटअप किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बस आप बस 2-3 मिनट के लिए वेट करिए, मैं आप ही के क्वेश्चंस को भी लूंगा, उसके बाद ही हम रिवीजन क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपके डाउट्स थोड़े से क्लियर कर देता हूं, कुछ जो मेरे को लग रहे थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पास डिस्कस कर लूं, उसके बाद मैं आपके छोटे छोटे डाउट्स ले लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा सर, अब हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगा वो स्ट्रेटजी रिवीजन का कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले हम लोग करेंगे पार्ट बी, और पार्ट बी करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। समझ चीज़ को समझिएगा सर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पार्ट बी आज वाली क्लास में हम इस रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लेंदी क्लास लेकर इस पूरे चैप्टर को एक साथ वाइंड अप करेंगे, फुल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्लास में सर इस फुल चैप्टर को एक साथ वाइंड अप करेंगे सर। अभी आज वाली क्लास में मैं आपका एक अच्छा खासा बेस तैयार कर दूंगा, एक पूरा ओवरव्यू आपको चैप्टर का प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ टॉपिक्स हम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे सर, नोट्स छोटे छोटे से बनाएंगे जिससे कि हमको लर्न करने में चीज़ें आसान हो जाए। और नेक्स्ट क्लास इट विल बी अ लेंदी क्लास और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा चैप्टर वाइंड अप, इस तरीके से हम लोग इसको प्लान करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट सी, और पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे सर रिपोर्टिंग का चैप्टर, और साथ में करेंगे इंटरनल कंट्रोल। इस पर्टिकुलर चैप्टर को करने के लिए या इस पर्टिकुलर पार्ट को करने के लिए हम एक एक क्लास ही लगाएंगे सर, और एक ही एक क्लास में इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करेंगे हम सर। एक ही एक क्लास में पूरे पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, उससे होगा क्या कि हमारा पूरा चैप्टर एक साथ समराइज हो जाएगा, टॉपिक वाइज हम डील करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर एक साथ कंप्लीट होता जाएगा। ये मैं ऐसा इन दो यूनिट के साथ ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं अगेन 40 मार्क्स के हैं सर, अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, यहाँ पर हमको इनकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। बिल्कुल सर। और इसके बाद हम करेंगे पार्ट डी, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करते, अभी हम पार्ट बी और पार्ट सी तक स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए अब अभी कुछ बच्चों के सर कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। बच्चे कहते हैं सर आज कौन सा चैप्टर होगा, आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। हार्डली 5-7 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर, और हम नोट्स बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे, हम छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपको बना के देंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको मार्क करके देंगे, कुछ ऐसे नोट्स मैं लिखवाऊंगा आपको जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। आप उसको पढ़ के जाइए, लर्न करके जाइए, एग्जाम में एज इट इज़ लिख कर आइए और कहानी ख़त्म करिए। दीपिका कहती हैं सर जून के लिए जो क्लास वापस दिसंबर के लिए नहीं करी तो प्लीज़ क्या चेंज होने टॉपिक कट किए हैं वो तो बता दो। हैं अच्छा, मतलब अगर आप का पिछला अटेम्प्ट था जून अटेम्प्ट और अब आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपीयर कर रहे हो तो कुछ टॉपिक्स चेंज हुए हैं। चलिए मैं आपको देख के बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं, ऑल दो बुक तो हम लोगों ने चेंज कर दी है सर। और पार्ट ए डिफिकल्ट लगता है, प्लीज़ उसके टॉपिक भी कवर करना। बिल्कुल करेंगे करण, बिल्कुल हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पार्ट बी सी पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर 40 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे लिए सिक्योर हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा पार्ट ए। और सर 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 एथिक्स का पेपर पैटर्न हर अटेम्प्ट में चेंज हो रहा है पार्ट ए के लिए, तो उस पार्ट ए को प्रिपेयर कैसे करें? पेपर पैटर्न देखो मेरे को लगता है इतना चेंज नहीं हो रहा, असल में ना आप अप्रोच गलत लेकर चल रहे हो, जो मेरा मानना है। अभी जैसे पास्ट ईयर अटेम्प्ट में भी बच्चों ने पेपर दिए तो उनका जो अप्रोच था, अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड अप्रोच कंपनी लॉ से हटाकर
एथिक्स के पेपर को लेकर सोचोगे तो ज़्यादा मेरे को लगता है इफेक्टिवली आपका रिजल्ट आउटपुट आ पाएगा, क्योंकि हम ना कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कि ये तो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, चीज़ें अलग होंगी, थोड़ी बहुत अलग हैं सर। हमको उस पैटर्न को समझना होगा। हम लोग जब रिविजन करेंगे तो मैं उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा सर। हाँ यस सर, विल इट बी प्राइवेट? आज वाली क्लास तो हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, बट आगे से सर हम ध्यान रखेंगे कि जो अगली क्लासेस हमारी होंगी जिसमें हम फुल फ्लेज एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हम उसको लाइव ही लेंगे सर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको लाइव ही रखें, तो आप सबसे उम्मीद भी होगी कि सर आप सब लोग लाइव ही अटेंड करेंगे सर। 65 प्लस का टारगेट युक्त बहुत कम है, हम लोग तो टारगेट 80 प्लस का लेके चलेंगे सर। 65 प्लस तो कम है, हमको 60 प्लस थोड़े ना मार्क्स लाने हैं, हमको 80 प्लस मार्क्स लाने हैं। 80 प्लस का सोचेंगे तो ही हम उसको स्कोर कर पाएंगे। आइए सर ध्यान से देखते हैं। यस सर, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सीरीज। यस सर, चलिए तो सर आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रिस्क मैनेजमेंट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रिस्क मैनेजमेंट, जो आपके पार्ट बी का चैप्टर है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली बात कि 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सर, तो अभी तक पुराने पास्ट ईयर पैटर्न को देखते हुए, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम में चार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सर 5 मार्क्स ईच के। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा सर कि एग्ज़ाम में हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो 5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आने वाला, वो 5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होने वाला। अंशिका कहती हैं सर टाइम यही रहेगा डेली? सर नहीं, मैं आपको टाइम के बारे में अभी बताऊंगा। मैं आपसे भी एक छोटा सा, चलो एक चीज़ छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं सर। अभी आप गाबा सर से टैक्स की क्लास कर रहे हो, और जो टैक्स की क्लास आप कर रहे हो वो आई थिंक सो MWF में करते हो, इवनिंग सेवन ओ क्लॉक आप ये क्लास करते हो MWF में। देखो मेरा मानना यह है कि मैं आपको इसको MWF के साथ क्लैश नहीं करवाना चाहता, मैं नहीं क्लैश करना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी जो एथिक्स की क्लास रखूँगा वो जब भी रखूँगा सर वो हमेशा TTS में ही होगी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि ट्यूसडे भी होगी, थर्सडे भी होगी, सैटरडे भी होगी, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो हमको एक इतना गैप लेकर चलना होगा सर कि एक चैप्टर को पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो जाए। मैं आपको ऑल द टॉपिक पहले से बता दूंगा जिससे आप पहले से पढ़ के भी रखोगे और आगे के लिए भी आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा जिसमें आप वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। तो हम जो भी टाइमिंग रखेंगे सर वो एथिक्स में TTS में रखेंगे, ट्यूसडे थर्सडे या सैटरडे में से ही कोई डे रखेंगे सर। और मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि ये जो आपकी क्लास होगी ये कम से कम 3 से 4 घंटे की होगी सर। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। 3 से 4 घंटे की क्लास होगी तो उससे होगा सर ये क्या कि हम लोगों को अच्छा खासा टाइम मिलेगा और हम एक चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम छोटी क्लास लेंगे तो उस सिचुएशन में सर देर विल बी अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमारा चैप्टर कंप्लीट ना हो पाए। तो विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं लंबी से लंबी क्लास रखूंगा। ठीक सर, बिल्कुल सर, आइए देखते हैं हम लोग अब। अच्छा मैं इसमें आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा साथ ही साथ, जिससे कि आपके जो पास ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है स्कैनर वाले वो भी सॉल्व हो जाएं और आपको पता लगे कि सर हम जो कंटेंट कर रहे हैं उसको एग्जाम में कैसे पुटअप किया जाना है। बिल्कुल ठीक है सर, आइए सर अब स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास को। आइए सर स्टार्ट करते हैं सर क्लास को, ध्यान से देखिएगा जरा सर। जो ये रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं सर वो कैसे कैसे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है सर, और रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में हमारे सामने जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, लाइक व्हाट इज रिस्क। सबसे पहला क्वेश्चन सर व्हाट इज रिस्क, क्या एग्जाम में सर ये पूछा जाएगा? एथिक्स में क्या क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट छोड़ो अभी अभी इधर आओ, आओ अभी पहले इधर देखो। कह रहे हैं सर आपसे क्वेश्चन पूछा गया अलग, लाइक व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिस्क। अब ऐसे सिचुएशन में सब जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस आपके लिए बहुत कम है। डायरेक्टली अगर मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलूँ कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इट इज़ नॉट दैट रिलेवेंट। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज रिस्क। हाँ बहुत अच्छी किस्मत रही शायद आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए डिफाइन रिस्क और उसके साथ लेकिन कोई क्वेश्चन साथ में और होएगा, तो आप हार्डली मान के चलिए कि आपको 1 या 2 मार्क्स में ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, वो भी 4-5 अटेम्प्ट में एक बार।
लेकिन सर जो ये रिस्क की डेफिनेशन होती है ना, या रिस्क का जो मीनिंग होता है, या रिस्क को हम जैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको जरूर 2 से 3 लाइन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो 2 से 3 लाइन में रिस्क आता होगा ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपको अपनी प्रेजेंटेशन समझनी होगी सर, आपको अपनी प्रेजेंटेशन समझनी होगी सर, और उस प्रेजेंटेशन को मैनेज करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 2, 3, 4 लाइन का कंटेंट कि व्हाट इज रिस्क। वैसे जनरली सर जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर रिस्क कुछ नहीं होता सर, रिस्क एक 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 तरीके की पॉसिबिलिटी है सर, एक तरीके की सर पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस। ध्यान रखिएगा सर, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना रिस्क, तो हमेशा हम इसको एक नेगेटिव सेंस में सोचते हैं। किस सेंस में सोचते हैं? नेगेटिव सेंस में। जब हम रिस्क वर्ड को नेगेटिव सेंस में सोचते हैं ना सर, तो ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस बन जाता है, ये एक तरीके की हमारे लिए इंजरी बन जाती है। क्या बन जाती है? इंजरी बन जाती है। या हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एडवर्स सर्कमस्टांस क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? एडवर्स सर्कमस्टांस। जिन वर्ड्स को मैं फोकस कर रहा हूं ना सर, आप भी जरा उस टर्मिनोलॉजी पे फोकस करिएगा सर, ठीक है? आइए देखते हैं क्या लिखा। कह रहे हैं सर एक पॉसिबिलिटी है किस चीज की? लॉस की, इंजरी की, एडवर्स सर्कमस्टांसेस की। जब हम इन सारे वर्ड्स को देखते हैं ना सर, लॉस, इंजरी, एडवर्स सर्कमस्टांस, तो ये सब के सब वर्ड्स जो हैं सर, ये एक नेगेटिव की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हैं सर। क्योंकि सर अगर हम रिस्क को पॉजिटिव सेंस में लेने लग जाएं, अगर हम रिस्क को पॉजिटिव सेंस में लेने लग जाएं, तो सर ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती है। किसका काम करती है सर? अपॉर्चुनिटी का काम करती है। इसका मतलब सर, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं रिस्क, तो अगर हम उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं तो हमको नुकसान होता हुआ दिख रहा होता है। लॉस, इंजरी एक एडवर्स सर्कमस्टांस क्रिएट करता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो हमारे फेवरेबल नहीं होती। सिचुएशन क्रिएट करता है सर, सिचुएशन विच इज नॉट फेवरेबल, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है सर जो फेवरेबल नहीं है। और अगर उसी सिचुएशन को सर हम फेवरेबल बना दें, तो वही सिचुएशन हमारे लिए रिस्की सिचुएशन की जगह अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब सर हमको ये समझना होगा कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी के लिए वर्क करता है। किसके लिए वर्क करता है? स्टेबिलिटी के लिए। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो स्टेबली लॉन्ग टर्म सस्टेन करे। क्या करे बेटा? लॉन्ग टर्म सस्टेन करे। लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का मतलब है लंबे समय तक टिका रहे। अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक टिका रहना है, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक बिजनेस में बने रहना है, इंडस्ट्री में बने रहना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो जबी भी कोई भी डिसीजन ले, जबी भी कोई भी डिसीजन मेकिंग करे, तो उस डिसीजन मेकिंग से पहले रिस्क फैक्टर्स जरूर एनालाइज कर ले। क्योंकि सर जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो हमारे उस बिजनेस एक्टिविटी में फॉल कर सकते हैं। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? देखो मेरे साथ ना तुम लोग बात करते रहना साथ ही साथ, है ना, मेरे को जवाब देते रहना। मैं तुमसे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप वैसे वैसे मेरे को जवाब देते रहिएगा। उससे होगा क्या, इंट्रैक्शन होती रहेगी सर, तो जबरदस्त मजा आएगा, माहौल बनेगा सर, और आपको देखना ये चीजें चुटकियों में ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी, बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। बस जो जो वर्ड्स मैं फोकस कर रहा हूं, आप भी प्लीज इन पे फोकस करिएगा। और क्या बोल रहे हैं सर कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो ऐसे बोला जा रहा है सर कि डिसीजन लेने से पहले रिस्क फैक्टर्स जरूर कंसिडर कर लेने चाहिए सर, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप डिसीजन ले लो, उसके बाद आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां आपको प्रॉफिट की जगह नुकसान होने लग जाए। सर देखो, जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हर डिसीजन के 2 पहलू होते हैं सर। हर कॉइन, जब हम सिक्का देखते हैं, तो सिक्के के 2 तरफ हैं सर, 2 पहलू हैं। क्या हम मिलते हैं कि एक तरफ देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट आए, और देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि शायद लॉस भी हो जाए। अब इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सब समझिएगा सर, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले ही समझ लेंगे, तो सर उस नेगेटिव एस्पेक्ट को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उन फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर वो पर्टिकुलर फैक्टर्स हमारे लिए एक रुकावट बनकर सामने आ जाए।
देखो अभी तो बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी तो डिसीजन लेना है, अभी रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज कर लेंगे तो हमको एक्चुअल में उनके इम्पैक्ट के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन सर अगर बाद में बिजनेस के बीचों बीच आकर हमको उन फैक्टर्स के बारे में पता लगा तो शायद उस पर्टिकुलर पोजीशन से सिचुएशन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे सर हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बोलते हैं सर कि अगर हम सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं सर, एक बार घुस गए तो सर अब तो नैया पार ही लगानी है सर। ये तो घुसने से पहले सोचना है सर कि अब क्या किया जा सकता है। जैसे हम क्लास 12 पास आउट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम सारे फैक्टर्स को सर एनालाइज करते हैं, उन सारे फैक्टर्स के एनालिसिस करने के बाद जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है हम उसको कंसिडर करते हैं। क्योंकि सर एक बार जिस लाइन में घुस गए फिर वहां से दूसरी लाइन में स्विच करना बहुत डिफिकल्ट है सर। इसी तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक पर्टिकुलर बिजनेस में कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेते हो, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो डिसीजन लेने से पहले ही एनालिसिस होती है सर। एक बार डिसीजन ले लिया अब पीछे मुड़ के नहीं देखना सर। और अगर डिसीजन लेने के बाद ऐसा पता लगता है कि ऐसी बहुत सारी रुकावटें हैं जिनके बारे में हम पहले ही सोच सकते थे लेकिन सोचा नहीं, तो बड़ा दुख होएगा सर। बिल्कुल हम इसी तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को रिस्क का नाम दे रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल सर, हमको यहां तक एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि एक्चुअल में ये रिस्क है क्या। अच्छा सर समझिएगा, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं जिनको हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, इनको हम नाम देते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनको हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ये रिस्क तो हमारे बिजनेस के साथ हमेशा बने रहेंगे सर, हमेशा का हमेशा बने रहेंगे सर, हम इनको अपने बिजनेस से बाहर निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर समझिएगा विदाउट रिस्क आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस, क्योंकि सर बिना रिस्क के देयर इज नो गेन सर। क्योंकि कभी कभी ना एक पर्टिकुलर पर्सन पूछता है कि सर अगर रिस्क ही है तो बिजनेस करना ही क्यों है। सर अगर हम रिस्क को सोचकर बिजनेस नहीं करेंगे तो कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे सर। बिजनेस का मतलब ही यही है कि आपको रिस्क तो एब्जॉर्ब करना ही करना है सर। आप रिस्क को जब एडॉप्ट करते हो सर तो आपको ये समझना होगा कि रिस्क अडॉप्शन एक तरीके से ऐसे सरकमस्टांसेस को डील करना है जिनके बारे में आपको पता है कि ये सरकमस्टांसेस आपके लिए नेगेटिविटी ला सकते हैं, बट उन्हीं को तो कन्वर्ट करना इनटू अपॉर्चुनिटी। समझिएगा अगर हमने रिस्क को पहले एनालाइज किया ही नहीं तो हमेशा उसके नेगेटिव इंपैक्ट ही देखने को मिलेंगे। अगर हम रिस्क को पहले से एनालाइज कर लें तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी आल्सो। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर आप रिस्क की बात करो तो विद एनालिसिस, अगर रिस्क की प्रॉपर एनालिसिस करो तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर रिस्क की आप एनालिसिस ना करो, विदाउट एनालिसिस करो, कोई एनालिसिस कर ही नहीं रहे रिस्क की सर, फिर इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? नेगेटिव इंपैक्ट्स, क्योंकि यहां पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेंगे और पॉजिटिव इंपैक्ट जो होंगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? बोलो भाई क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक जरा पहले फटाफट से मेरे को बताएंगे कि क्या आपको यहां तक चीज समझ में आ रही है सर, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सर मजा आ गया। एक चीज मैं छोटी सी आपको और बताता हूं सर, कुछ लोग सर डिसीजन मेकिंग से पहले रिस्क की एनालिसिस इसलिए नहीं करते, डिसीजन मेकिंग से पहले रिस्क एनालिसिस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क एनालिसिस जो है ये एक कॉस्टली वे आउट है, ये एक एक्सपेंसिव मेथड है सर, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है सर, ऐसे बोल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो क्या कहते हैं कि जो रिस्क एनालिसिस है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये एक्चुअल में एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इससे बेटर ये है कि रिस्क एनालिसिस पे पैसा खर्च करने से बेटर है डिसीजन लो। डिसीजन लेने के बाद अगर कोई रिस्क फैक्टर सामने आया तो उस रिस्क फैक्टर को खत्म करने में पैसा लगाएंगे ना, क्योंकि अगर वो रिस्क फैक्टर आया ही नहीं तो शायद हम पैसा लगाने से बच जाए। बहुत लोगों का अप्रोच ऐसा होता है सर क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पैसा कम से कम खर्च हो और वो नहीं चाहते कि डिसीजन मेकिंग से पहले एनालिसिस पे अच्छा खासा पैसा खर्च हो। लेकिन सर समझना होगा अगर आपने स्टार्टिंग में रिस्क एनालिसिस पे पैसा खर्च किया तो सर आप फ्यूचर में अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हो उस रिस्क की
कन्वर्जन से उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले जाओगे तो आपको अनड्यू एडवांटेज मिलेगा जो आपको नॉर्मल तरीके से नहीं मिलने वाला। इसके लिए सर हम एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं सर, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फेलियर इज अंडर एस्टिमेटेड सर जो रिस्क मैनेजमेंट की कॉस्ट है, आज उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है सर। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि मान लो आज हमने रिस्क को एनालाइज किया, बट देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि शायद फ्यूचर में हमारे लिए सर्कमस्टांसेस इतने बुरे ना हो जितने हम सोच रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, क्योंकि सर आज अगर आप हर एक कदम फूक फूक के रखोगे तो आपको शायद कभी नेगेटिविटी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा सर। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। क्या आपको बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अब यहीं पर हम आते हैं, इतना इतना रिस्क के लिए सर हमारे जानना जरूरी था सर, हमने जान लिया, ये बहुत है सर। ये अगर आपसे कोई पूछा जाए, पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय रिस्क, अगर आप ये सारी चीजें क्लब करते हो तो डेट इज मोर देन इनफ। अभी मैं आपको एक पैराग्राफ में लिखवा दूंगा सर कि ये रिस्क एक्चुअल में हम लोगों ने क्या पढ़ा। लेकिन उससे पहले सर हम बात करते हैं एक पॉइंट की जिसमें हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं सर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। सर जब हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात करते हैं तो हम रिस्क को सर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रिस्क होता है सर सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है सर अनसिस्टमैटिक रिस्क। बच्चों को सर पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ऑल्दो ऐसा कुछ है नहीं सर कि जहां पे आपको बहुत सारा यहां पर कंफ्यूजन दिखे। सर जब हम रिस्क को कैटेगराइज करते हैं ना इनटू टू पार्ट्स, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, तो एक इसका हम क्राइटेरिया लेते हैं, एक बेसिस लेते हैं सर, और वो बेसिस है कंट्रोलेबिलिटी। वो बेसिस क्या है सर? कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे सर हम एक्चुअल में रिस्क को एनालाइज करते हैं कि रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। समझिएगा सर, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब यह है सर कि ऐसा सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। वर्ड पे फोकस करिएगा, सिस्टम पे। सर हम ऐसे कहते हैं, हम सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम हमसे नहीं चलता। ऐसा वर्ड सुना है कभी आपने? सिंघम मूवी देखी होगी शायद आपने, कभी ऐसा वर्ड सुना हो, हम सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम हमसे नहीं चलता। सिस्टम अपने रंग दिखाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ना सर, ये अनकंट्रोलेबल होता है सर। ये क्या होता है? अनकंट्रोलेबल। अपने दिलो दिमाग में इस चीज को बिठा लो सर, जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो अनकंट्रोलेबल होता है सर, जो अनसिस्टमैटिक होता है ये होता है सर कंट्रोलेबल, ये होता है सर कंट्रोलेबल। इस चीज को समझना होगा सर कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है, ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है, अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसी सिस्टमैटिक रिस्क की बात करें, तो हम बोलते हैं ऐसे सर, हमारे सामने लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क। सर ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है, इसके अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो हम ऐसे कहते हैं सर, ये एक अनकंट्रोलेबल रिस्क है सर, ये एक ऐसा रिस्क है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नॉट प्रिडिक्टेबल। ये अनकंट्रोलेबल रिस्क है सर, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर। बिल्कुल ठीक है सर, फिर समझिएगा, ये एक ऐसा रिस्क है सर जो मैक्रो नेचर का है। कौन से नेचर का है बेटा? मैक्रो नेचर का है। मैक्रो नेचर का मतलब है सर कि ये आपके सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल रिस्क नहीं है सर, ये पूरी इंडस्ट्री का रिस्क है सर। ये सिर्फ आपको नहीं एडवर्स इफेक्ट पहुंचाएगा, ये आपकी पूरी इंडस्ट्री को एडवर्स इफेक्ट पहुंचाएगा। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स। पहले नंबर पे बोला कि सर ये रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो अनकंट्रोलेबल है, दूसरे नंबर पे बोला गया कि ये एक ऐसा रिस्क है जो प्रेडिक्टेबल ही नहीं है सर, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको, ये अपने रंग दिखाएगा आपको बिना बताए, आप चाह कर भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ये मैक्रो इन नेचर है सर। फिर समझिएगा सर, इट अफेक्ट्स, ये जो अफेक्ट पहुंचाता है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस,
इट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग अंडर अ सिस्टम. सर ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये आपकी इंडस्ट्री, आपके सिस्टम में आने वाले सारी यूनिट्स, सारे ऑर्गेनाइजेशन पर इंपैक्ट डालेगा सर. बिल्कुल ठीक सर. इसी तरीके से सर ध्यान सुनिएगा, ये जो पर्टिकुलर रिस्क है ना सर, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. कैसे फैक्टर्स? एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अनकंट्रोलेबल, जो सर अनकंट्रोलेबल होते हैं, विच आर अनकंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में नहीं है सर. ये पर्टिकुलर फैक्टर्स एक इंडस्ट्री के कंट्रोल में भी नहीं है सर, ये तो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालेगा. अब यहीं रुकते हैं सर, जरा यहीं रुकते हैं सर, समझिएगा सर. हम ऐसे कहते हैं सर, रिसेशन का टाइम आ रहा है, मंदी का दौर आ रहा है. सर जब मंदी का दौर आता है तो पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट करती है सर. क्या करती है? पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट करती है सर. मंदी किसी एक बिजनेस के लिए भी आ सकती है, लेकिन अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है तो इकोनॉमी का रिसेशन का इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा. कभी आपने ऐसे सुना हो सर कि आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए एक रिसेशन का दौर आया सर. रिसेशन का मतलब मंदी का दौर आया सर. जब आईटी इंडस्ट्रीज का स्टाफ निकाला जाता है, बोला जाता है कि सर हमको जितने भी एक्स्ट्रा लोग हमने एम्प्लॉय किए हैं सबको बाहर निकालिए. क्यों? क्योंकि मंदी का दौर है, पैसा नहीं है इतना. सर अब जब मंदी आती है ना इकोनॉमी में, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती सर. इकोनॉमी की रिसेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये अनकंट्रोलेबल है, ये नॉट प्रेडिक्टेबल है, ये मैक्रो इन नेचर है. माइक्रो इन नेचर तब होगा सर, माइक्रो इन नेचर तब होगा जब ये एक पर्टिकुलर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होगा. अगर ये रिस्क इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो ये मैक्रो नेचर है. चलो ऐसे भी देखते हैं सर, अगर एक रिस्क इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो उस इंडस्ट्री में आने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये रिस्क पड़ा होगा, इसलिए ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क अनकंट्रोलेबल होता है सर. कैसा होता है? अनकंट्रोलेबल. लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है, कैसा रिस्क है? ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ रहा है, इसकी वजह से ये कंट्रोलेबल रिस्क है. कैसा रिस्क है बेटा? कंट्रोलेबल रिस्क. बिल्कुल ठीक है सर. सर होता क्या है, जब रिसेशन का टाइम आता है तो हमारी परचेजिंग पावर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. कौन सी पावर पर बेटा? परचेजिंग पावर पर. समझिएगा सर, आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आपका खर्चा है, आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आपका खर्चा है सिर्फ 2 लाख रुपए महीना, आपकी परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है सर. आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं लेकिन आप खर्च करते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए पर मंथ, यह आपकी इनकम है और यह आपका एक्सपेंस है. देखिए सर, आपके पास बहुत बड़ी परचेजिंग पावर है सर, आप 8 लाख रुपए महीना बचा ले जाते हो, आप कल को कुछ भी खरीदना चाहोगे, आपकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है. लेकिन सर आपकी इनकम आज भी 10 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन सर मार्केट में इतनी महंगाई आ गई है, आपके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अब यही एक्सपेंस आपका बढ़ के 7 लाख रुपए पर मंथ चला गया है. अब यहीं रुक जाते हैं सर. एक जगह आपके पास इनकम है 10 लाख रुपए महीने की और एक जगह आपके पास एक्सपेंस है 7 लाख रुपए महीने का. जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आप कहते हो कि सर मेरी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई है. जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई है? वो रिड्यूस हो गई है. यहीं पर ये परचेजिंग पावर जो थी वो बहुत हाई थी. अब समझिए, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपकी ये परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, लेकिन इकोनॉमी ने अपना रंग दिखाया और उसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? रिड्यूस हो गई सर. क्या बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सर. क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है सर. इसी तरीके से जब हम सर सिस्टमैटिक रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं सर? अनसिस्टमैटिक रिस्क से कंपेयर करते हैं, तो हमको पता लगता है सर जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये सर कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंट्रोलेबल है सर. ये कंट्रोलेबल होने के साथ साथ ये प्रेडिक्टेबल भी है, इसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं.
मैक्रो था सिस्टमैटिक, ये सर माइक्रो इन नेचर है. कैसा है? माइक्रो इन नेचर है सर. ये अफेक्ट तो पहुंचाता है लेकिन इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही अफेक्ट पहुंचाता है. जब हम कंपैरिजन करेंगे सर तो पता लगेगा कि जो सिस्टमैटिक रिस्क था वो अनकंट्रोलेबल था, नॉन प्रिडिक्टेबल था, माइक्रो था. वो इफेक्ट पहुंचाता था पूरी इंडस्ट्री को, ये इफेक्ट पहुंचाता है सिर्फ इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को. बिल्कुल ठीक बात है सर. और यहाँ पर हम ऐसे भी कहते हैं कि सर इट कैन ईजली बी, इट कैन बी आइडेंटिफिएबल. इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सर, इसको आप मिटिगेट भी कर सकते हो. मिटिगेटेड ऑल्सो, इट कैन बी मिटिगेटेड ऑल्सो. इसको तो आप खत्म कर सकते हो सर, लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं ये खत्म नहीं होते सर. अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं ना सर, ये इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं सर, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते. इसी रीजन की वजह से ये कंट्रोलेबल होते हैं. अब जब सर हम इन सब चीज़ों को समराइज करते हैं ना, तो सर इन सब चीज़ों को समराइज करते हैं तो हमारे सामने एक आता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक आता है सर अनसिस्टमैटिक रिस्क. जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं सर तो पता लगता है सिस्टमैटिक जो होता है ये अनकंट्रोलेबल है और जो अनसिस्टमैटिक है ये कंट्रोलेबल है. जो अनसिस्टमैटिक है सर ये प्रेडिक्टेबल भी है, लेकिन जो सिस्टमैटिक है ये नॉन प्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है. इसको प्रेडिक्ट करना सर लगभग इम्पॉसिबल है. ये सर माइक्रो इन नेचर है, ये इन मैक्रो इन नेचर है. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रिएक्ट करता है, सॉरी जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से रिएक्ट करता है, और जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रिएक्ट करता है. क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो रिस्क क्लियर हो गया सर. रिस्क की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, उसमें सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं सर. आपको ये समझना होगा सर, ये दो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जो आपके एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको एज इट इज ही इसका आंसर भी लिखना होगा. क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, फटाफट से बताइए बच्चा. ये आपको समराइज करके मैंने दे दिया आपको, ये आप समराइज करके लिख सकते हैं सर. बिल्कुल ठीक है सर. आगे बढ़े सर, आगे बढ़े. बिल्कुल सर, चलिए बहुत अच्छी बात है सर. सर जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक और रिस्क आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है सर. एक होता है लिक्विडिटी रिस्क और एक होता है सॉल्वेंसी रिस्क. कैसा कैसा रिस्क है बेटा? एक है लिक्विडिटी रिस्क और एक कैसा है सॉल्वेंसी रिस्क. जरा ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को समझेंगे, ठीक है सर? हाँ जी. एक तरफ आया लिक्विडिटी, एक तरफ आया सॉल्वेंसी. ये क्या होता है सर, समझिएगा. सर जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं ना तो आप हमेशा फोकस रखा करिए करेंट असेट्स पे, और जब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी के तो हमेशा याद रखा करिए फिक्स्ड एसेट्स. इनको अपना बेस बनाइए सर, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा. समझिएगा सर, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि आपके पास अभी करंट में कितना कैश अवेलेबल है. कैश भी वर्ड यूज ना करके अगर हम बोलें तो हम ऐसे बोलें कितना रेडी कैश अवेलेबल है. अगर आज के आज आपको कैश की जरूरत पड़ जाए वो कितना अवेलेबल है सर, वो आपके लिक्विडिटी की बात करता है. लेकिन हम ऐसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की जब बात करते हैं सर, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में आती है सर फिक्स्ड एसेट. अब समझिएगा, जब एक पर्टिकुलर बिजनेस सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट बिजनेस का मतलब है कि उसकी फिक्स्ड एसेट्स इन कंपैरिजन टू इट्स लायबिलिटीज हमेशा ज्यादा है. ऑल्दो जब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी की तो हम रेशियो में कंपैरिजन करते हैं तो पता लगता है असेट्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए लायबिलिटी के कंपैरिजन में. लेकिन सर वो असेट्स भी ऐसी असेट्स होनी चाहिए जो एक्चुअल में आपके ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ने पर लायबिलिटी रीपे करने में मदद कर पाए. सर समझिएगा, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपकी बैलेंस शीट में बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं लेकिन आपका बैंक बैलेंस दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है.
सर, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में लैंड नाम से बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी हैं, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, लेकिन लेकिन आपके पास जो लिक्विड एसेट है, जैसे कि लिक्विड एसेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गोल्ड, एक ऐसी चीज विच कैन इजिली बी कन्वर्टेड इंटू कैश। तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन करंट एसेट्स बहुत कम हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, सर ध्यान रखिएगा, हम बोलेंगे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है लिक्विडिटी रिस्क को। किसको फेस कर रहा है बेटा? लिक्विडिटी रिस्क को। लेकिन अगर वहीं पे मैं दूसरी बात करूं और मैं ऐसे लिखूं कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड एसेट्स बहुत कम है, ऑल्दो जो प्रेजेंट टाइम का बैंक बैलेंस है करंट लायबिलिटीज को देखते हुए वो हाई है, अभी अगर आज आपको अपनी करंट लायबिलिटीज पे करनी पड़े तो आपके पास अच्छी खासी करंट एसेट्स हैं, सर ऐसी सिचुएशन में सर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिस्क है वो सॉल्वेंसी रिस्क है। वो कैंसा रिस्क है? सॉल्वेंसी रिस्क। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब ऐसे समझिएगा सर, आज के आज अगर आपको अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी है और आपकी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए आपके पास अच्छे खासे करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, तो हम बोलेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी रिस्क फेस नहीं कर रहा। अगर आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ग्रेटर हैं इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स, तो इसका मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लिक्विडिटी रिस्क फेस कर रहा है, लिक्विडिटी रिस्क फेसिंग। लेकिन अगर उल्टा है, आपकी करंट एसेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर करंट लायबिलिटीज, तो हम बोलेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी तरीके का कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। इस चीज को हमको समझना होगा सर। अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम सस्टेनेबिलिटी जानने के लिए सॉल्वेंसी रिस्क पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो हम सर लिक्विडिटी रिस्क पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा सर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम सर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए आपको मैं एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अ फर्म मे बी इन अ साउंड पोजीशन। सर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो फर्म है वो एक साउंड पोजीशन में है, ठीक है, एज पर द बैलेंस शीट। आपने अपनी बैलेंस शीट देखी तो बैलेंस शीट को देखने के बाद आपको पता लगा कि जो आपकी फर्म है वो एक साउंड पोजीशन पे है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 बट इफ द करेंट एसेट्स, लेकिन आपकी बैलेंस शीट पे जब हमारी नजर गई किस पे? करेंट एसेट्स पे। बट इफ द करेंट एसेट्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और नियर कैश असेट, लेकिन सर अगर आपकी असेट कैश फॉर्म में नहीं है या ऐसी फॉर्म में नहीं है जिसको कैश में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कराया जा सके, तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्म है माइट बी फेसिंग लिक्विडिटी रिस्क। क्यों लिक्विडिटी रिस्क? क्यों ऐसा? क्योंकि सर आपके पास आपकी लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो ऐसी सिचुएशन में अनपेड रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे बेटा? अनपेड रह जाएंगे। इस चीज को समझना होगा कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो कैसे रह जाएंगे? अनपेड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यहीं पर फटाफट से देख कर जरा मेरे को बताएंगे। बिल्कुल सर, आ रही है सर, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर रिया कहती हैं ऊपर एग्जाम्पल दे दो। रिया मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, ये लीजिए, आप आए सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक पे, आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सर, समझिएगा अभी इसका एग्जाम्पल। अच्छा चलो मैं इसका एग्जाम्पल ना अभी तुमको इन्हीं सबसे देता हूं, जो ये लिक्विडिटी सॉल्वेंसी है इन्हीं से देता हूं तुमको मैं अभी। अभी एक दो रिस्क और समझ लो, फिर उसके बाद देखो तुमको कैसे एग्जाम्पल मिल जाएगा सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक का। सर एक रिस्क हमको पढ़ने को मिलता है जिसको हम नाम देते हैं क्रेडिट रिस्क। एक रिस्क हमको मिलने को देखने को मिलता है जिसको हम नाम देते हैं सर करेंसी रिस्क। अब ये क्या होता है सर? क्रेडिट रिस्क, करेंसी रिस्क, ये क्या है सर? सर समझिएगा सर, आ रहे बेटा, आ रहे अभी सब पे आ रहे हैं, आ रहे बेटा आ रहे हैं।
लिक्विडिटी रिस्क पे अभी सबके एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको, आप टेंशन ना ले, बस एक मिनट के लिए जरा सामने देखें पहले सब लोग। सर मान लीजिए कि आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन करते हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हो सर, और इस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के चलते, ध्यान से समझिएगा, और आप इस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के चलते किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक क्रेडिट पीरियड ऑफर कर देते हो। क्या ऑफर कर देते हो? क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड। सर ये क्रेडिट पीरियड ऑफर करने का मतलब क्या समझिएगा? सर देखिएगा ध्यान से, सर एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर ए, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और मिस्टर एक्स कुछ गुड्स सेल कर देते हैं सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए। जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को गुड्स सेल कर दी सर उधार पे, तो मिस्टर ए ने अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन ले ली है टू पे मनी टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास सर एक राइट है टू रिसीव मनी फ्रॉम मिस्टर ए। लेकिन सर जरा बात को समझिएगा, बात को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सर। यहां अगर मिस्टर एक्स को ड्यू डेट पे पेमेंट ना मिली तो क्या मैं बोल दूं कि मिस्टर एक्स आपके लिए एक रिस्क खड़ा हो गया है, क्रेडिट रिस्क? यस सर। समझिएगा सर, जैसे ही मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के साथ ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया, तुरंत मिस्टर एक्स के ऊपर एक क्रेडिट रिस्क खड़ा हो गया सर कि अगर ड्यू डेट पे ए ने पैसा नहीं लौटाया तो तुम ये पैसा कहां से रिकवर करोगे? इस चीज को समझना होगा सर, इस चीज को समझना होगा सर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये रिस्क है ना, क्रेडिट रिस्क, इसको हम ऐसे भी कहते हैं सर, क्रेडिट रिस्क इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी डेट। अब देखो बस यहीं रुक जाओ और इतने ही स्टेटमेंट को जरा देखो क्या कह रहा है सर। ये स्टेटमेंट कह रहा है क्रेडिट रिस्क कुछ नहीं है सर, इट इज रिलेटेड टू अ प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी डेट, कि कब आपको आपका उधार पे दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। अगर डिफॉल्ट हो गया तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि शायद कभी पैसा वापस ना भी मिले। सर क्या मैं बोल दूं कि जो क्रेडिट रिस्क है ये सबसे ज्यादा, जो क्रेडिट रिस्क है सर ये सबसे ज्यादा बैंकिंग या रादर बोल दें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उठाते होंगे, क्योंकि इनका तो मेन काम ही क्या है, पैसे को लेंड करना। ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो क्रेडिट रिस्क है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है सर। बिल्कुल ठीक है, हमको बात समझ में आ रही है सर। अच्छा मैं ऐसे बोलूं, मिस्टर एक्स, समझिएगा, मिस्टर एक्स लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं मिस्टर ए को, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं इसी की जगह बोलता हूं ऐसे, बैंक सर उधार दे रहा है, बैंक सर उधार दे रहा है बहुत सारे लेंडर्स को। लेकिन सर ये जितने भी लेंडर्स हैं, समझिएगा, ये जितने भी लेंडर्स हैं वो बैंक से उधार ले तो रहे हैं लेकिन नॉट रीपेइंग। पैसा तो उधार ले रहे हैं बट नॉट रीपेइंग टू इट टू बैंक। अब समझिए सर, अब ऐसी सिचुएशन में जब हम बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैंक की बैलेंस शीट में असेट्स के नाम पर बहुत सारी लोन्स की बात कही गई होगी, लोन्स गिवन। क्या लिखा होगा? बहुत सारे लोन लिखे होंगे कि बैंक ने बहुत सारे लोगों को लोन दिए हुए हैं, और बैंक के लिए तो ये एसेट है सर, क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट में लिखा है कि उसने लोन दिया हुआ है। लेकिन सर ड्यू डेट आ चुकी है बट ड्यू डेट पे रीपेमेंट नहीं हो रही। क्या मैं बोल दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम पे बैंक लिक्विडिटी रिस्क फेस करेगा? बोलो बेटा, क्या मैं बोल दूं कि यहां पे जो बैंक है ये लिक्विडिटी रिस्क फेस करेगा? क्योंकि अगर उसका दिया हुआ उधार पे पैसा उसको वापस ही नहीं मिलेगा तो भैया वो आगे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएगा? क्या मैं बोल दूं कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट रिस्क फेस किया जिसकी वजह से उसका रिजल्ट उसको लिक्विडिटी रिस्क फेस करना पड़ रहा है। चलो बेटा फटाफट से देखिए, जरा बताइए नैना और नैना और नेहा, क्या आपको ये लिक्विडिटी रिस्क का एग्जांपल समझ में आया?
जवाब दीजिए फटाफट से, जवाब दीजो बेटा फटाफट से जवाब दे दो। सर देखो कैसे मैंने लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क को एक साथ बांध दिया और ऐसे बोला सर। बेटा नहीं ना, वो बोरोइंग तो लेगा, लेकिन आप समझिएगा बहुत बार ऐसा होता है सर कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पैसा तो दे देता है, लाइक पर्सनल लोन्स हैं बिना सिक्योरिटी के दे दिए जाते हैं। आप हर लोन पे सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते, कभी कभी बैंक लोन जब देता है तो इतनी अच्छी से एनालिसिस नहीं कर पाता, मैनेजर्स कैशियर्स इंटरनल स्टाफ धोखाधड़ी कर ले जाता है सर। ऐसी सिचुएशंस में सर आपको क्या फेस करने को मिलता है, लिक्विडिटी रिस्क फेस करने को मिलता है। आपने कभी नाम सुना होगा सर एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर जिस पर्टिकुलर बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत हाई हैं, वो पर्टिकुलर बैंक समझ लीजिए क्रेडिट रिस्क फेस कर रहा है, और क्योंकि वो क्रेडिट रिस्क फेस कर रहा है इस वजह से इन नियर फ्यूचर वो लिक्विडिटी रिस्क भी फेस करेगा, क्योंकि अभी उसके पास पैसा है तो वो अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन कल को अगर क्रेडिट रिस्क बढ़ा तो उसका लिक्विडिटी रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक बात है सर। इसी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए नैना बैंक आपसे सिक्योरिटी ले लेता है कि कल को अगर तुम रीपेमेंट ना कर पाओ तो भैया कम से कम हमारे पास रास्ता तो होए, हमको पता है क्रेडिट रिस्क ओरिजिनेट हो सकता है, उस क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए, उस लिक्विडिटी रिस्क से बचने के लिए हमने आपसे सिक्योरिटी रखवा ली, ये सिक्योरिटी बेच के पैसा रिकवर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल 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 ठीक बात है सर। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमारा क्रेडिट रिस्क हो गया, सॉल्वेंसी रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, अब हम एक देखने जा रहे हैं सर करेंसी रिस्क। क्या देखने जा रहे हैं सर? करेंसी रिस्क। ध्यान से देखेंगे, करेंसी रिस्क सर उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पड़ता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। जो किस में डील करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं सर। जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं सर, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है सर फॉरेन करेंसी में डील करते हैं सर, उनके ऊपर एक रिस्क फॉल करता है, करेंसी रिस्क। इसीलिए हम सर एक स्टेटमेंट बोलते हैं ऐसे, द वोलेटिलिटी, द वोलेटिलिटी इन द करेंसी रेट्स, द वोलेटिलिटी इन द करेंसी रेट्स इज कॉल्ड करेंसी रिस्क। बस यहीं रुक गए। क्या बोला? जरा ध्यान से देखें, वोलेटिलिटी का मतलब होता है सर चेंजेस, फ्लक्चुएशंस। वोलेटिलिटी का मतलब क्या बेटा? फ्लक्चुएशंस। सर करेंसी रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसी को नाम दिया गया करेंसी रिस्क। आइए एग्जांपल लेते हैं सर, समझिएगा। सर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी है और उस कंपनी ने एक फॉरेन बैंक से लोन लिया, कंपनी टेकन लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक। एक कंपनी है सर, उसने फॉरेन बैंक से लोन लिया। जरा बात को ध्यान से समझिएगा सर, जब कंपनी ने फॉरेन बैंक से लोन लिया तो 1 लाख US डॉलर का लिया, 1 लाख US डॉलर का कंपनी ने बैंक से क्या ले लिया बेटा? लोन ले लिया। जरा ध्यान से देखेंगे, हाँ जी सबका ध्यान किधर है? इधर देखो, जीडी सलूजा इधर है, इधर देखो, इधर, हाँ सब इधर देखेंगे, जरा सब लोग कंसंट्रेट करेंगे। कंपनी ने 1 लाख US डॉलर का सर लोन ले लिया एक फॉरेन बैंक से, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ले लिया सर। आगे बताओ सर, ये जब 1 लाख US डॉलर जब इन्होंने लोन के तौर पे लिया तो इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराया, तब $1 चल रहा था 70 रुपए का, तब $1 70 रुपए का था, तो इस कंपनी को टोटल 70 लाख रुपीस इस 1 लाख US डॉलर के बदले में मिल गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन सर इस लोन को लिया गया था फॉर 3 ईयर्स। After 3 years, जब इस लोन की रीपेमेंट की बात आई तो सर जब कंपनी ने इस पर्टिकुलर अमाउंट को रीपे करने की बात की तो वो ऑथराइज पर्सन के पास जाके कहते हैं कि हमको 1 लाख US डॉलर दे दो,
क्योंकि हमने फॉरेन बैंक को अपना लोन रीपे करना है। ऑथराइज पर्सन यहाँ पे कहता है, सर आज डॉलर का रेट चल रहा है 80 रुपए, लाइए दीजिए 80 लाख रुपए और हम आपको 1 लाख US डॉलर दे देंगे। अब बात को समझिएगा ध्यान से, सर जब लोन लिया था तब 1 डॉलर चल रहा था 70 रुपए का, तो 70 लाख रुपए मिले थे, 70 लाख रुपए 1 लाख डॉलर के बदले में मिले थे। आज जब रीपेमेंट करने जा रहे हैं सर, तो हमको फिर से 1 लाख डॉलर चाहिए, लेकिन आज वही 1 लाख डॉलर हमको मिल रहा है 80 लाख रुपए में। सर क्या मैं बोल दूं कि ये जो 10 लाख रुपए का चेंज आया है, ये 10 लाख रुपए की जो फ्लक्चुएशन हुई है, ये करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से ही हुई है? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। ऐसे रिस्क को हम नाम देते हैं करेंसी रिस्क, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पड़ेगा जिन ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनेशनल ऑपरेशन होगा, इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो पर्टिकुलर बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे होंगे सर, सिर्फ उन्हीं का ऊपर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क फॉल करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा सर, यहीं पे रुकते हैं जरा और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा। सर बताइए सर, सर जो करेंसी रिस्क है ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है या फिर सिस्टमैटिक रिस्क है? सर जो करेंसी रिस्क है जरा बता दो, ये सिस्टमैटिक रिस्क है या अनसिस्टमैटिक है? बस यहीं रुक के बता दो सर, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक? सर ये करेंसी रेट की जो फ्लक्चुएशंस हैं, क्या मैं बोल दूं ये इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पे फ्लक्चुएट कर रही हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में नहीं है। सर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में नहीं है तो क्या बोल दूं सर ये अनकंट्रोलेबल है? सर अगर ये अनकंट्रोलेबल है तो पक्की बात है सर ये सब की सब सिस्टमैटिक है। वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर जो करेंसी रिस्क है ये एक सिस्टमैटिक रिस्क है। देखो अपने आप तुमको जवाब मिल गया बेटा, देखो तुमको अपने आप जवाब मिल गया, इसीलिए मैं कह रहा था बस 2-4 मिनट का वेट करो, सब समझ में आएगा, तुम खुद जवाब दोगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कि क्रेडिट रिस्क कैसा रिस्क है, क्रेडिट रिस्क अगर मैं तुमको बोलूं क्रेडिट रिस्क कैसा रिस्क है, तो तुम शायद बोलोगे सर क्रेडिट रिस्क तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी हरकतों की वजह से बियर कर रहा है, ये तो सर एक अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अगर एक बैंक बहुत अच्छे से सिक्योरिटी को कंट्रोल कर ले तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ये रिस्क बने ही ना। हां सर, करेंसी रिस्क हो गया सिस्टमैटिक और क्रेडिट रिस्क हो गया अनसिस्टमैटिक। क्या बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आकाश युक्ता, सदा प्रीति, रिया, भारत सिंह, बहुत बढ़िया। अंशिका, दीपिका, शिखा, बहुत अच्छा सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। तो बताओ क्या तुमको ये दोनों ही एग्जांपल समझ में आ गए? सर बिल्कुल सर, हमको ये दोनों ही एग्जांपल समझ में आ गए। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं लिक्विडिटी रिस्क कैसा है, तो बोलोगे सर जो लिक्विडिटी रिस्क है ना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी कर रहा है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी कर रहा है, इसलिए ये भी अनसिस्टमैटिक रिस्क है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं परचेजिंग पावर रिस्क कैसा है, परचेजिंग पावर रिस्क, सर तो जो परचेजिंग पावर रिस्क है ना वो सिस्टमैटिक रिस्क होगा। वो कैसा रिस्क होगा? सिस्टमैटिक होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर, हमको बात समझ में आ रही है। क्या सर हम आगे बढ़े? हाँ सर आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आओ सर, अगला हमारे पास एक रिस्क आता है सर, इंटरेस्ट रेट रिस्क। कैसा रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क। बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देखिएगा। देखो ऐसे ही करते करते हम लोग सारे सारे टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन आपको बिल्कुल ही लेनी है सर, सारी चीजें रिकॉल करा दूंगा सर। सर इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? आइए सर ध्यान से देखिएगा। सर होता क्या है, हमारे हमारी मार्केट में सर कुछ रिस्क फ्री रिटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिस्क फ्री रिटर्न्स। अंशिता कहती है सर कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए? अंशिता 1 घंटा हो गया हम लोग को स्टार्ट किए हुए। आ जाओ जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। रिस्क फ्री रिटर्न्स की बात करते हैं सर, रिस्क फ्री रिटर्न्स ये क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा।
सर, जब हम किसी भी पर्टिकुलर बैंक में लेट से 1 करोड़ रुपए की एफडी खुलवा दें, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दें, तो सर इसको जनरली हम मानते हैं कि हमने जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराई है ये रिस्क फ्री रिटर्न है सर। बिल्कुल सर, 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है सर, आपने बैंक में जमा कराया। सर बैंक कहता है हम इस पे आपको 6.5%, चलो राउंड फिगर ले लेते हैं सर, आपको 7% का इंटरेस्ट देंगे। और सर जो 7% का इंटरेस्ट है ये पर एनम आपको मिलेगा सर। कैसे मिलेगा? पर एनम मिलेगा सर, ध्यान से देखिएगा। सर ये 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। क्या मैं बोल दूं आपको 7 लाख रुपए पर एनम मिलेंगे इंटरेस्ट के नाम से? बिल्कुल सर। लेकिन सर समझिएगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, जो मर्जी हो जाए, तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमको तो भैया इतना का इतना रिटर्न तो मिलने ही वाला है। कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं कोरोना ही क्यों ना आ गया, आपको 7% इंटरेस्ट रेट फिक्स हुआ था तो आपको 7% का ही ब्याज मिलेगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको 7 लाख रुपए साल के बैंक 1 करोड़ रुपए की एफडी के अगेंस्ट तो देगा ही देगा। बिल्कुल ठीक सर, इसका मतलब ये ऐसा रिस्क फ्री रिटर्न है सर जिसके ऊपर मार्केट का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा। लो बेटे, बहुत बढ़िया। लेकिन सर वहीं पर हम रुक गए सर, और हमने बोला कि हमने किसी कंपनी के एक नई नई कंपनी है सर, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है, अपने सिक्योरिटीज इशू कर रही है। क्या मैं बोल दूं कि अगर मैं अपना 1 करोड़ रुपए इसी शेयर सिक्योरिटी में लगाऊंगा तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि कल को ये कंपनी प्रॉफिट ना अर्न कर पाई, प्रॉफिट नॉट अर्नड, तो क्या मैं बोल दूं कि शायद इस कंपनी के हालात ऐसे हो जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, हमको इस पे कोई रिटर्न ही ना मिले। यस सर, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमको यहां पे रिटर्न ही ना मिले। अब समझिएगा सर, अगर ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो जिस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, क्या मैं बोल दूं यहां रिस्क बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा रिस्क है सर। लेकिन समझिएगा ऐसी कंपनी जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है सर, जो कैसी है बेटा, इधर देखो कैसी है, हां जी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है सर, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है सर, ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? डिबेंचर्स। लेकिन मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है सर, क्योंकि ये कंपनी कह रही है हम डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट देंगे 6% का। ओ भाई, मार्केट में बैठा इन्वेस्टर कहता है हम बेवकूफ थोड़ी ना है, हमारे मत्थे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा सर, समझिए हम बेवकूफ थोड़ी ना है सर, हम यहां 6% के ब्याज के लिए कंपनी में डिबेंचर्स थोड़ी ना परचेस करेंगे, इससे बढ़िया तो हम बैंक में एफडी खोल दें, वहां ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, और यहां तो सिक्योरिटी ही नहीं है सर, कोई भरोसा ही नहीं है, कल को लुट गए तो बैंक कम से कम हमको फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न तो देगा। बिल्कुल सर। अब कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी कहती है ठीक है फिर 6% की जगह हम देते हैं 8%। बंदा कहता है, इन्वेस्टर कहता है अभी भी कंपनी तुम बेकार हो, तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? जब बैंक हमको 7% दे रहा है बिना किसी टेंशन के, तो 1% के लालच में हम तुम्हारे पास क्यों आए? कंपनी कहती है ऐसी बात? लो बेटा 12% का इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा था 7%, यहां मिल रहा है 12%, 13% सर, 14% सर। अब इन्वेस्टर के दिमाग में आ जा रहा है सर लालच, अब आ रहा है इन्वेस्टर के दिमाग में लालच। इन्वेस्टर कह रहा है भाई साहब 12%, 13%, 14% का ब्याज मिल रहा है, वहां जाके जमा करेंगे बैंक में, वहां मिलेगा 7%, 1 करोड़ पे 1 साल में 7 लाख रुपए। यहां कंपनी ने हमको 14% का ब्याज दे दिया तो सीधे ही इनकम डबल, 7 लाख के बदले में 14 लाख रुपए। बताइए क्या रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है सर। और अगर मान लीजिए कंपनी ऐसी आ जाए जो 12%, 13%, 14% पे आपको इंटरेस्ट देने लग जाए, क्या मैं बोल दूं लोग अब इस एफडी की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब जैसे जैसे मार्केट में इन डिबेंचर्स पर रेट बढ़ता है,
क्या बोल दे, मार्केट में जो रिस्क फ्री रिटर्न्स वाली सिक्योरिटीज हैं उनकी मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं रह जाती? यस सर। इसका मतलब अगर एक तरफ डिबेंचर्स वगैरह पे जो रिस्क फ्री रिटर्न सिक्योरिटीज नहीं है, अगर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज है उनकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिबेंचर्स भी रिस्क फ्री है ना, जरूरी नहीं है ना नैना, जरूरी नहीं है। अगर ये सिक्योर्ड ना हुए तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपको इसके बदले में कुछ ना मिले। वैसे तो हम ऐसे बोलते हैं सर, जो डिबेंचर्स होते हैं उन पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपनी जो डिसाइड करती है वो देती ही देती है, क्योंकि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो। बट अगर कंपनी के हालात बहुत बुरे हैं तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि शायद आपका डिबेंचर्स का पैसा डूब जाए। चलिए ठीक सर, ऐसे रेट को हम लोग नाम देते हैं सर इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या नाम दे रहे हैं सर? इंटरेस्ट रेट रिस्क। बिल्कुल ठीक सर। यहां हम लोगों ने सर कुछ ऐसे रिस्क के बारे में डिस्कशन किया जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ रहा था। जैसे हम लोगों ने रिस्क डिस्कस किए लिक्विडिटी रिस्क, हम लोगों ने डिस्कस किया सॉल्वेंसी रिस्क, हम लोगों ने डिस्कस किया क्रेडिट रिस्क, हम लोगों ने डिस्कस किया करेंसी रिस्क, हम लोगों ने डिस्कस किया परचेजिंग पावर रिस्क, हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये कुछ ऐसे रिस्क थे सर जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे फाइनेंस पे पड़ रहा था। सर कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। सर समझिएगा, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो समझिएगा सर, रिया एक लाइन कहती हैं सर, जरा ध्यान से देखो। रिया मैं आपकी लाइन एक्सप्लेन करता हूं सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। सर अगर बैंक अपने डिपॉजिट्स के रेट बढ़ा दे, डिपॉजिट्स के लो लेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो क्या मैं बोल दूं जो मार्केट में डेट है इनकी डिमांड लो हो जाएगी? जरा फटाफट से सब लोग यहां पे जवाब देंगे, सबके सब। हाँ हाँ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ जरा। हाँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसा हुआ सर? इंटरेस्ट रेट रिस्क हुआ अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक हुआ बेटा, सिस्टमैटिक हुआ। कभी कभी मार्केट में चेंजेस होने की वजह से भी सर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क अनकंट्रोलेबल हो जाता है, हमारे हाथों में नहीं रहता सर। बेटा समझो, अभी मैं तुमको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सिस्टमैटिक हुआ। इधर देखो बेटा क्या हुआ सर, बैंक का डिपॉजिट रेट अगर बढ़ जाता है तो क्या मैं बोल दूँ मार्केट में जो और डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मार्केट में जो डिमांड है वो लो हो जाएगी? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब समझिएगा, जैसे ही मार्केट रिस्क, मार्केट का रेट रिस्क, ये बैंक का डिपॉजिट रेट रिस्क बढ़ा, तुरंत डेट सिक्योरिटीज़ की डिमांड लो हो गई। बिल्कुल ठीक। अब मेरा क्वेश्चन सर, अगर मैं उल्टा बोलूं और मैं बोलूं कि मार्केट में जो बैंक का डिपॉजिट रेट है ये घटा, तो क्या मैं बोल दूं कि मार्केट की जो डेट सिक्योरिटीज हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी? उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये भी सच है? यस सर। इसका मतलब ये भी ट्रू है और जो आपने नीचे लिखा ये भी क्या है? ट्रू है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिड्यूसेस डिमांड ऑफ डेट सिक्योरिटीज, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिड्यूस डिमांड ऑफ डेट सिक्योरिटी। अब ध्यान से सर, क्या मैं बोल दूं 100 रुपए वाली डेट सिक्योरिटी क्योंकि उसकी अब मार्केट में डिमांड ही नहीं रह गई, क्या 70 में बिकेगी, क्या 60 में बिकेगी? क्या मैं बोल दूं इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिड्यूसेस
इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिड्यूसेस प्राइसेस ऑफ डेट सिक्योरिटी, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। क्या मैं ऐसे बोल दूं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिड्यूसेस प्राइसेस ऑफ डेट सिक्योरिटीज, क्या ये बोलना गलत होगा? नहीं सर, ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। लेकिन सर ध्यान से सुनिएगा, ये इंक्रीज इन इंटरेस्ट किसका है सर? ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट है सर, ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट है। अगर आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है तो सर जो डेट सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि इनकी डिमांड घटती है, क्योंकि इनकी डिमांड लो हो जाती है, तो जो इनकी प्राइसेस हैं वो भी क्या हो जाती हैं? लो हो जाती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बस यही स्टेटमेंट लिखा है सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर अब समझिएगा, कुछ रिस्क हम लोगों को कैटेगराइज करके दिए जाते हैं एज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। लेकिन समझिए सर, ये नॉन फाइनेंशियल वर्ड का मतलब ये नहीं है सर कि इसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है सर। फाइनेंस का डायरेक्ट कनेक्शन ना होना, फाइनेंस का डायरेक्ट कनेक्शन ना होना एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क है सर। समझिए क्या लिख रहा हूं मैं, फाइनेंस का डायरेक्ट कनेक्शन ना होना एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। यह ध्यान रखिएगा हमेशा अपने दिमाग में, नॉन फाइनेंशियल रिस्क डजंट मीन, नॉन फाइनेंशियल रिस्क का मतलब यह कभी नहीं है सर कि इट विल नॉट इंपैक्ट फाइनेंस एनी हाउ। यह ध्यान रखिएगा सर, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि फाइनेंस पे कभी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट बहुत कम होगा सर। बिल्कुल ठीक सर। जैसे सर कंप्लायंस रिस्क, अब देखिए आपको कानून का कंप्लायंस करना है, आपको लॉ में लिखी सारी बातों का कंप्लायंस करना है, आप नहीं कर रहे, क्या होएगा सर इससे? समझिएगा सर, सर इससे आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन डाउन हो सकती है, जो अराइज करेगी रेप्यूटेशनल रिस्क को, जो किसको अराइज करेगी? रेप्यूटेशनल रिस्क को। अब समझिए सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस रिस्क क्यों है? देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं सर कंपनीज एक्ट, जब हम पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट पढ़ते समय हम बोलते हैं कि हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है और 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा की पेड अप कैपिटल है तो कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब सर अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल है 9.5 करोड़ तो आपको कंपनी सेक्रेटरी नहीं चाहिए, मैंडेटरी रिक्वायर नहीं है। लेकिन यही कैपिटल आपकी हल्की सी बढ़ जाती है 10.2 करोड़ हो जाती है तो आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड है। सर अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, क्या मैं बोल दूं कंप्लायंस रिस्क के चांसेस बहुत घट गए? क्योंकि सर एक ऐसा डेडिकेटेड पर्सन है जिसका काम ही यही है, उसको तो हम नाम ही यही दे रहे हैं सर, कंप्लायंस ऑफिसर। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? कंप्लायंस ऑफिसर। अब जब हमने एक डेडिकेटेड क्वालिफाइड पर्सन ही अपॉइंट कर लिया अपनी कंपनी में तो कंप्लायंस रिस्क तो अपने आप ही रिड्यूस हो गया। सर समझिएगा, कंप्लायंस रिस्क रिड्यूस हुआ, क्या मैं बोल दूं आपकी कंपनी पे इन्वेस्टर अब बहुत भरोसा कर सकता है? क्या मैं बोल दूं आपकी कंपनी के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत भरोसा करेंगी? क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भैया आपकी कंपनी में कुछ हो जाए सर नॉन कंप्लायंस तो नहीं होगा। सर ऐसी कंपनी बहुत ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करती है, ट्रस्ट वर्दी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रस्ट वर्दी हो जाती है। ऐसी कंपनी बहुत ट्रस्ट वर्दी हो जाती है सर जिस पर्टिकुलर कंपनी में कोई कंप्लायंसेस का रिस्क ही ओरिजिनेट ना हो, कोई नॉन कंप्लायंस ही ना हो सर। क्योंकि अगर कंप्लायंस रिस्क ओरिजिनेट हुआ तो सर ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस रिस्क का फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बिल्कुल फाइनेंशियल बर्डन है सर। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंप्लायंसेस टाइम पे नहीं किए तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे, आपको फाइन, आपके ऊपर फाइन इंपोज हो जाए। सर जब पेनल्टी और फाइन इंपोज होगा तो वो भी तो डायरेक्टली आपके फाइनेंस के ऊपर ही इंपैक्ट डालेगा सर। लेकिन समझिएगा ये इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो हार्म पहुंचेगा किसको? रेपुटेशन को। ये बात मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कंप्लायंस रिस्क की वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा बेटा।
बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल इंपैक्ट से भी पहले आपके ऊपर कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा? रेपुटेशनल रिस्क का इंपैक्ट. क्यों? क्योंकि अब इन फ्यूचर शायद देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लोग उतना ट्रस्ट ना करें. क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरीके से हमारे सामने एक रिस्क आता है सर, स्ट्रैटेजिक रिस्क. कौन सा रिस्क आता है बेटा? स्ट्रैटेजिक रिस्क. जरा ध्यान से सब लोग देखेंगे, कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं सर हम? स्ट्रैटेजिक रिस्क. स्ट्रैटेजिक रिस्क अराइज होते हैं सर पुअर बिजनेस डिसीजन से. स्ट्रैटेजिक रिस्क अराइज होते हैं सर पुअर डिसीजन बिजनेस डिसीजन से. बिल्कुल सर. अगर आपकी जो रिसोर्सेज हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है सर, अगर वो रिसोर्सेज इनएडिक्वेट हैं तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजिक मेकिंग है वो रिस्की है. सर समझिएगा, जब हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो स्ट्रैटेजीज बनाते समय हमको इस चीज पे बहुत फोकस रखना होता है सर कि वो स्ट्रैटेजीज एक्चुअल में जब एग्जीक्यूट की जाएं तो उससे हमको आउटपुट मिले, हम जो चाहते हैं वो हमको अचीव हो. सर लेकिन समझिएगा, अगर हम स्ट्रैटेजीज बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के, बिना प्रॉपर बिजनेस डिसीजन के, बिना एनालिसिस के करेंगे तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो फेल हो जाएं. सर अगर हमारी स्ट्रैटेजीज फेल होती हैं सर, अगर हमारी स्ट्रैटेजीज फेल होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो हैम्पर करेगी. क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल रिस्क है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमको अपने फाइनेंस पे ना देखने को मिलेगा बल्कि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे ज्यादा देखने को मिलेगा. नैना क्वेश्चन पूछती है सर, सर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल? नैना अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो सर दोनों के लिए. शिवानी कहती है लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ेगा नॉन फाइनेंशियल रिस्क का. सर शिवानी मैं ऐसे कह सकता हूं, नॉन फाइनेंशियल रिस्क का इंपैक्ट फाइनेंस पे आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा. नॉन फाइनेंशियल रिस्क का जो इंपैक्ट है आपको वो फाइनेंस पर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल देते हैं सर, मान लीजिए कि आपने एक नॉन कंप्लायंस किया. आपने क्या किया बेटा? एक नॉन कंप्लायंस, लेकिन इस नॉन कंप्लायंस के बारे में किसी को पता ही नहीं लगा. रेगुलेटरी अथॉरिटी को यह 6 साल के बाद पता लग रहा है कि आपने नॉन कंप्लायंस किया. ओ भाई, अब इस नॉन कंप्लायंस का जो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर पड़ने जा रहा है वो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर तब नहीं पड़ा जब ये नॉन कंप्लायंस हुआ था, बल्कि फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर कब पड़ा? 6 साल के बाद. लो, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर. सर फिर आगे ध्यान से देखिएगा, फ्रॉड रिस्क. फ्रॉड रिस्क, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहा है, करप्टिव एक्टिविटीज कर रहा है, अनएथिकल इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज कर रहा है, तो जब तक ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं होगा तब तक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्क ओरिजिनेट नहीं होगा. लेकिन जिस दिन ये फ्रॉड सबके सामने आया, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको फाइनेंशियल रिस्क भी देखने को मिलेगा. इसीलिए इस पर्टिकुलर फ्रॉड रिस्क को हम कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? नॉन फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में एम्फसाइज करते हैं सर. बिल्कुल ठीक सर. फिर ध्यान से सुनिएगा, एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक रिस्क आता है डिजास्टर रिस्क. ऑल्दो सर पहले टाइम की अगर बात करें तो पहले सिर्फ डिजास्टर रिस्क को ही सबसे बड़ा रिस्क माना जाता था, लाइक फ्लड आ जाना, सुनामी आ जाना, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाना. वैसे सर जब डिजास्टर की हम बात करते हैं तो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर भी होता है और मैन मेड डिजास्टर भी होता है. लेकिन सर जो मैन मेड डिजास्टर होता है सर, ये मैन मेड डिजास्टर, ध्यान रखिएगा, ये मैन मेड डिजास्टर इज लाइक कोविड, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है. ये सर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ह्यूमन बींग की गलती है जिसकी वजह से डिजास्टरस एक्टिविटी हुई, और ऐसे रीजन की वजह से सर हम इनको मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं. पहले सर टाइम पे अगर हम 5 ईयर्स की बात करें, आज से 100 साल पहले की बात करें, तो सर डिजास्टर रिस्क ही एक ऐसा रिस्क होता था जो सबसे ज्यादा बिजनेस की कंटिन्यूटी पर, लॉन्गिटिविटी पर अफेक्ट करता था. लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे सर, अपार्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर रिस्क, देर आर सो मेनी रिस्क जो इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि ये सारे के सारे डिजास्टर रिस्क आउटडेटेड हो गए सर.
बिल्कुल। और हम ऐसे बोलते हैं सर, जब हम फ्रॉड की बात करते हैं, फ्रॉड रिस्क की, तो ये बिल्कुल फाइनेंस पे इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन तुरंत के तुरंत हमको इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसका इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, प्लीज़ इस नंबर पे मेरे को मैसेज करिएगा कि सर आप एथिक्स के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मैं आपको एथिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट क्लास की इंटीमेशन एक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, और दूसरी चीज़ सर, नेक्स्ट क्लास की इंटीमेशन जो शेड्यूल और टाइमिंग वगैरह होगी वो आपको बताया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। सर इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी प्रायर हैंड पे। युक्ता कहती है सर 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, आई थिंक सो। युक्ता मैं तो कहता हूँ 5 पॉइंट भी काफ़ी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज़ अ वेरी लो चांस कि आपको एग्जाम में अलग से किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क पे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आपसे एक ही साथ पूछा जाएगा कैटेगराइज करके, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास का जो शेड्यूल होगा वो आपको मैं मोबाइल नंबर पे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको इसकी इंटीमेशन दे दी जाएगी। और सर जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये नेक्स्ट क्लास में हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है ये फुल कवर हो जाएगा, फुल कवर। तो इट विल बी गोइंग टू बी अ लेंथी क्लास, हम लोग इस रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे, पूरा चैप्टर ही ख़त्म करेंगे सर। बिल्कुल सर। बेटा मैं आपको सीरीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले पार्ट बी, देन पार्ट सी, उसके बाद पार्ट डी। मैं पहले पार्ट बी सी डी ही करूँगा, उसके बाद ही सर आगे बढ़ूँगा। सर समझिएगा, पार्ट ए आने का मतलब ही यही है सर कि पार्ट ए पे जाएंगे तब जब एक्चुअल में हमारा पार्ट बी सी डी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सर। नहीं, रिवीजन जो रेगुलर स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है उसी में ऐड करूँगा बेटा, अलग से नहीं करूँगा, अलग से नहीं करूँगा। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है सर? एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है सर, आइए ध्यान से देखते हैं, अभी मैं क्लास एंड नहीं कर रहा, अभी सब ध्यान देना इधर ही। मॉर्निंग या नाइट की टाइमिंग रख लेना, देखूंगा शिखा, क्लैश नहीं होने दूंगा बेटा, क्लैश नहीं होना दूंगा, डोंट वरी, क्लैश नहीं होने दूंगा, आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी किसी भी क्लास के साथ टाइमिंग क्लैश ना करे, ठीक है सर? चलिए सर, एक रिस्क आपके सामने आता है सर, ऑब्सोलेंस रिस्क, इसको ऑब्सोलीन रिस्क भी बोलते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, इसको ऑब्सोलीन रिस्क भी बोलते हैं सर। ये क्या होता है सर, समझिएगा सर, हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, एक भी क्या बल्कि आपको मैं दो एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है सर। सर जब एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करता, देखो क्या लिख रहा हूं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करता तो उसके सामने एक रिस्क खड़ा हो जाता है जिसको नाम देते हैं ऑब्सोलीन रिस्क। सर ये होता क्या है, इस चीज को समझना होगा सर हमको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो बेटा। सर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं नोकिया का, सर आज से अगर हम 12-13 साल पीछे जाएं, 12-13 इयर्स बैक अगर हम पीछे जाएं सर, तो ऐसी सिचुएशन में सर नोकिया एक ऐसा कंपनी था जो ऐसे फोन बनाता था सर जिसकी मार्केट में तूती बोलती थी। इंडिया में अगर हम बात करें तो एप्पल से पहले नोकिया ही नोकिया छाया हुआ था सर। सर नोकिया के मोबाइल फोन ऐसे मोबाइल फोन थे लाइक इट वाज अ स्टेटस सिंबल। लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सैमसंग आया, एप्पल आया और बथेरों प्रकार के फोन आए जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी पलीत करने वाला माइक्रोमैक्स मोबाइल भी आया। सर समझिएगा,
ये ऐसी कंपनीज आई जिन कंपनीज ने ऐसे मोबाइल निकाले जिनको नोकिया टक्कर नहीं दे पाया. रीजन बिंग, ये लेकर आए स्मार्टफोन. इस स्मार्टफोन में ये लेकर आए एंड्रॉइड, ये लेकर आए आईओएस. जो एंड्रॉइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो नोकिया को कॉम्पीट करने में सक्सेसफुल हुआ. नोकिया अपना ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पाया जो टक्कर दे पाए इस सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स को. जिसका नतीजा ये निकला सर कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुई नोकिया की, जिस रीजन की वजह से सर नोकिया मार्केट में आउटडेटेड हो गया. सेम उसी तरीके से आज अगर मैं बात करूं सर न्यूज़पेपर की, किसकी बात करूं बेटा, न्यूज़पेपर की, आज मैं अगर बात करूं मैगजीन्स की, आज मैं अगर बात करूं बुक्स की, तो सर आप समझिएगा ये सब की सब चीजें सर ऑब्सलीट होती चली जा रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इनको उनके नेचुरल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से खत्म कर दिया सर. आज लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स ये सब मोबाइल में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप पे, अपने पास किंडल आ जाता है सर आजकल, किंडल बुक्स पढ़ने के लिए, इन सब चीजों पर देख रहे हैं. जिन रीजन की वजह से हो क्या रहा है कि जो ये इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, मैगजीन इंडस्ट्री, बुक्स इंडस्ट्री है, इन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, जो प्रिंट मीडिया में है. जो किसमें है? प्रिंट मीडिया में. और वो प्रिंट मीडिया से बाहर होकर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं. क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो नियर फ्यूचर में देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इनको बहुत बड़ा थ्रेट हो जाए सर. और थ्रेट आज ही है, इनका बिजनेस खत्म भी हो सकता है. इस चीज को हमको समझना होगा सर. क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? तो आज हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे रिस्क डिस्कस कर लिया, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क डिस्कस कर लिया सर. इसके अलावा और बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क डिस्कस कर लिया. उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें बेटा समझ में आई होंगी. लेकिन ध्यान रखिएगा आज की क्लास में छोटी इसलिए रख रहा हूँ सर क्योंकि हम लोगों ने पहले से प्लान आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ था. इस रीज़न की वजह से आज मैंने अपना प्लान आपके साथ डिस्कस कर दिया है. अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी विल अपडेट यू ऑल, आपको इंटीमेट किया जाएगा सर, विल इंटीमेट. टाइमिंग्स एंड डेट्स आपको बता दी जाएंगी. टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में पूरा रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है पूरी तरीके से वाइंड अप होगा सर. पूरी तरीके से सर ये रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर वाइंड अप होगा. आप पढ़ के रखना चाहें पढ़कर रखिएगा क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की करेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. फिर उसमें जितना भी टाइम लगेगा सर हम एक ही क्लास में उसको वाइंड अप करेंगे, उसको टुकड़ों में नहीं डिस्कस करेंगे. टुकड़ों में करने बैठेंगे सर बहुत लंबी लंबी क्लासेस लग जाएंगी. हमको इसको रेगुलर क्लास नहीं बनाना, हमको डिटेल्ड रिवीजन करानी है. और डिटेल्ड रिवीजन तभी मज़ेदार होगी जब एक ही चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है सर? चलिए मैडम, मैं आपको जैसा भी होगा बताऊंगा. अभी हम लोग देख लेते हैं सर, कल हमारी संडे की क्लास है, ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है क्लासेस, तो अभी कल के लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं आपको जल्दी ही ये इंटीमेट करूंगा. गावा सर आपको इंटीमेट कर देंगे सर क्लास के दौरान. मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा, तो इट विल नॉट बी अ बिग डील. आपको बता दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी टाइमिंग्स किसी भी तरीके से क्लैश ना करें. ठीक है सर? हाँ जी, जैसे ही चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा बेटा रिस्क मैनेजमेंट का, मैं तुरंत के तुरंत आपको क्वेश्चंस दूंगा जिससे कि आपकी तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी. एक प्रॉपर डेफिनेशन लगवा दूं रिस्क की. चलो लिख लो, जरा आओ लिख लेते हैं. एक रिस्क की डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं. आओ जरा देखो ध्यान से. डिफाइन रिस्क, देखो बेटा, रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी. रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी और अदर एडवर्स सर्कमस्टांस. इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी और अदर एडवर्स सर्कमस्टांस. बेटा समरी नोट्स में आपको क्लास में ही बनवाऊंगा, समझिए. ठीक है? समझिएगा सर, फिर आगे लिखिएगा.
सर लिखिएगा, सम रिस्क आर इनहेरेंट विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी इमेजिन्ड. कुछ रिस्क सर इनहेरेंट हैं जिनके बिना हम बिजनेस को इमेजिन ही नहीं कर सकते. एज नो मीनिंगफुल गेन इज पॉसिबल विदाउट रिस्क. बिना रिस्क के आप गेन अचीव ही नहीं कर सकते, अटेन ही नहीं कर सकते. इनहेरेंट रिस्क कैन नॉट बी, इनहेरेंट रिस्क कैन नॉट बी इग्नोर्ड और कंप्लीटली अवॉइडेड. एट बेस्ट इट कैन बी मिटिगेटेड. ज्यादा से ज्यादा आप इनको मिटिगेट कर सकते हो और मैनेज्ड, आप मैनेज कर सकते हो. पूरी तरीके से खत्म कर दो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक सर, ठीक सर. रिस्क, देखो क्या लिख रहा हूं, रिस्क कैन बी अ प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न, रिस्क कैन बी अ प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, रिस्क कैन बी अ प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर दैन द एक्सपेक्टेड रिटर्न. सर रिटर्न एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पे एक्चुअल रिटर्न है वो कम रहने वाला है इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड रिटर्न. आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ गई सर, क्लियर है? बिल्कुल सर. नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन रुचि वासवानी कहती हैं, सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ध्यान से समझिए. व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या तो उसके थ्रू मिल जाएगी, नहीं तो आपको सर यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ये बता दिया जाएगा. मेरा नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस मिल जाएगा सर. ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे सर, सी ए अरुण सेतिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ही सर आपको ये सारी डिटेल दे दी जाएंगी. ठीक है, चलो. तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे. होप सो यू एंजॉयड द सेशन. आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है, हम लोग का आगे का प्लान कैसा रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग आगे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, और इसी तरीके से सर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आई थिंक सो कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी. आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप प्लीज़ जैसी भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, या जो भी चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या अभी का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा. फिर अकॉर्डिंगली ही हम वैसे प्लान कर लेंगे, और बाकी नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको इंटीमेट किया जाएगा. टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे. होप सो यू एंजॉयड द सेशन. गुड बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय बाय. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्लास आप लाइव ही देखिएगा. बहुत ज़रूरी है लाइव देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में वो मज़ा नहीं है, और हम क्लास प्राइवेट कर देंगे, इससे बेटर है कि लाइव देख लीजिए. ठीक है सर, चलिए, बिल्कुल सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट एवरीवन.